संकुल प्रताप की ओर से हार्दिक स्वागत और आपका कौन सी क्लास पढ़ते हो? अच्छा, कहाँ रहते हो? बोल रहे प्रतापपुर नंबर 7 बोलते हैं। ठीक है बोल रहे क्या बात हमेशा।
टाइम कैसे काम करता है सर? जैसे कि टमाटर मतलब बल्लभ का जलना, नमक के पानी में जैसे बल्लभ जलना, बल्लभ सर तेल में नहीं जलना, अच्छा पानी की मात्रा क्या होता है इससे? सर इसमें एक लेपन कटता है, इसीलिए इसका नाम है विद्युत लेपन। सर इसमें सर विद्युत इकट्ठा होता है। Thank you.
बनाया आपने? विद्युत लेपन का कार्य है सर, जंग लगने से बचाना सर। ये है सर, जो प्लेट सर, प्लेट पर जब हम सर कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो सर कॉपर सल्फेट में डालते हैं सर, ये बुलबुले छोड़ता है तो सर इस पे कॉपर चढ़ता है। यहाँ पर संपर्क किया गया, उसके उपरांत एक छोटा सा कार्यक्रम बाल शोध के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने की हमने बात रखी। तो हम सब लोग भी, क्योंकि विगत कई वर्षों से कोविड काल के बाद कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, कार्यक्रम होना चाहिए, इसी आशा के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ किया। विगत 5-6 दिनों से मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर तीनों विद्यालयों के समस्त स्टाफ इस कार्यक्रम में लगी रही। मैं आप सभी को साधुवाद भी देना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम की सफलता आप लोगों को जाती है, उसके बारे में अतिथि महोदयों को मैं बताना चाहूँगा। बाल शोध मेला एक शिक्षण मेला है जिसके जरिए बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। बच्चे खोजबीन शोध विधि के माध्यम से कई जानकारियां एकत्रित करते हैं, फिर खोजी गई उन जानकारियों का विश्लेषण कर तर्क करना और नए परिणामों तक पहुंचना ही शोध यात्रा है। इस प्रकार बच्चों में अनेक कौशलों का विकास होता है जो आगे चलकर उनके जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में अहम भूमिका शिक्षक की होती है जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों को इस तरह के अवसर प्रदान करते हैं। इस समस्त प्रक्रिया में शिक्षण का अधीन सिर्फ कक्षा कक्षे तक सीमित न रहकर कक्षा कक्षे से बाहर स्वयं एवं समाज के अनुभवों को समझने, जानने और साझा करने का भरपूर अवसर प्रदान करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण कार्य से अलग हटकर न होकर दैनिक शिक्षण कार्य बच्चों के स्तर तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही संबंधित विषय होता है। इस प्रकार बच्चा उस विषय वस्तु पर अपनी समझ बना पाने में और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर पाने में कुछ हद तक सफल होते दिखते हैं। इस शोध कार्य में बच्चों द्वारा वर्तमान समय की ज्वलंत एवं जन जन की अनिवार्य आवश्यकता विद्युत विषय पर शोध कार्य किया गया है। बच्चों द्वारा विद्युत बनने की यात्रा से लेकर विद्युत के पारंपरिक उपकरणों को समझना, विद्युत से संबंधित जन समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाना, जैसे विभिन्न कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। पर विद्युत विषय जो कि जूनियर स्तर की कक्षाओं के विज्ञान पाठ्यक्रम से संबंधित है, परंतु इसके साथ ही इसमें भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें बच्चों में निहित अनेक भाषाई कौशलों को उकेरने का प्रयास किया गया है। मुख्य रूप से लेखन कौशल और उसका व्यवहारिक पक्ष लिया गया है। लेखन कौशल में पत्र लेखन, कविता, कहानी एवं संवाद लेखन बच्चों की स्वयं की उपज है। इसको बच्चे अपने दैनिक व्यवहार में कैसे जोड़ पाएंगे, यह समझ बच्चों में बन पाई है। साथ ही विज्ञान विषय में बच्चों ने विद्युत संबंधी प्रयोग करके उसको व्यवहारिक जीवन में जोड़ने का प्रयास किया है, जैसे विद्युत परिपथ बनाना, विद्युत लेपन, विद्युत के रासायनिक प्रभाव, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा परिवर्तन, विद्युत बचत आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में शामिल होते हुए सभी शिक्षक साथियों को यह अनुभव हुआ कि यह एक रचनात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इन प्रयोगों को करते हुए बच्चों में कल्पना शक्ति, तर्कशीलता, स्वयं करके सीखना, स्थायी ज्ञान जैसे कई कौशलों का विकास होता है। कक्षा कक्ष केवल अध्यापक केंद्रित न होकर अध्यापक बाल केंद्रित दोनों होती हैं। इसमें बच्चे को सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं और पाठशाला आनंददायी बन जाती है। जैसा कि आनंदम पाठ्यक्रम भी भारत हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसी अनुरूप यह बाल शोध मेला कार्यक्रम हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। एपीएफ के हमारे आलोक जी ने लगातार यहाँ करके प्रयोगात्मक तौर पर इन बच्चों को बहुत सारी प्रक्रियाओं, प्रयोगों के द्वारा सिखाया और बच्चों ने वो चीज़ें सीखी भी और अपने जीवन में उकेरने का प्रयास भी किया। नमस्कार। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित
श्री राजपाल सिंह जी, हमारे उप शिक्षा अधिकारी श्री राम भानु प्रताप जी एवं हमारे मूल्यवान शिक्षक, दूरस्थ विद्यालयों से आए हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाल शोध मेले के बारे में मैं कुछ आपसे बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से इसकी हमारे विद्यालय में करने की योजना बनाई गई। आज से लगभग 2 महीने पहले मैं खटीमा द्वितीय विद्यालय में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो खटीमा द्वितीय है, वहाँ मुझे रीता दीपक मैम ने इनवाइट किया था। इसी मेले का आयोजन जहाँ हुआ था, उस मेले में जब मैं गई तो वहाँ मैंने इस तरह की गतिविधि जब देखी तो मुझे अंदर से ही एक वो हुआ कि मुझे भी अपने विद्यालय में शायद बच्चों के साथ ये ऐसा मैं करूँगी। तो और वहाँ से मैं अपने मन में ये विश्वास लेकर आई थी कि मैं अपने विद्यालय में इसको अवश्य ही और इसका सफल आयोजन ही हूँ कि उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया, श्री आलोक सिंह जी, श्री दिव्य प्रकाश जी और श्री सोनू त्रिपाठी जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय में लगातार बच्चों के साथ काम किया और हमारा पूर्ण सहयोग दिया। बच्चों के साथ इस बाल शोध मेले में बच्चों ने तो जो सीखा है बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इस जर्नी में मैं उनके साथ रही हूँ और उनके जो आत्मविश्वास था वो मैंने बढ़ते हुए देखा है इस गतिविधि से। और एक चीज इस प्रक्रिया से मुझे ये समझ में आया है कि बाल शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी रोचक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को बोरियत बिल्कुल नहीं होती, वो पूरी सक्रियता से इसमें भाग लेते हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर अपना प्रतिभा करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने अपना केवल 10% ही दिया है, जो भी काम किया है वो बच्चों ने स्वयं किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों ने कम से कम इतना करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। और इस तरह के प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी अध्यापक आए हुए हैं, तो जिस तरह मैं अपने मन में ये बात लेकर आई थी खटीमा द्वितीय स्कूल से, तो वो भी अपने मन में ये बात लेकर जाएं कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के साथ मिलकर करें और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। धन्यवाद। सर, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है विद्युत धारा के रासाय चुंबक प्रभाव। कैसे होता है सर? जैसे कि जो ये चुंबक जो कंपास होता है, कंपास में अगर हम किसी भी तांबे के तार जो भी तार लपेट के अगर हम करंट पास करें सर, वो अपने आप सर झूलने लगता है। इससे क्या पता चलता है सर? इससे दिशा बताता है। शिक्षक साथी लोग और अभिभावक लोग और प्यारे बच्चों, तो अभी समय कम है, मैं बहुत ज़्यादा जो मेले की यात्रा थोड़ा उस पर बात रखता हूँ कि ये मेले की अवधारणा हमने सोची कैसे, या बार बार मैम के माध्यम से भी, सर के माध्यम से भी ये नाम आ रहा था कि अजीम चौधरी फाउंडेशन इसमें क्या काम कर रही है। तो सर, जैसा आप लोगों को अवगत भी हुआ कि एप्रेंट की जो इन सर्विस ट्रेनिंग चलती थी और उसमें ये बात कही जाती थी कि बच्चों के सीखने के लिए भी विद्यालय स्तर पर हम नया क्या प्रयास कर रहे हैं, तो सर उसी उद्देश्य को लेके विद्यालय स्तर पर जो शिक्षण विधाएं हैं पढ़ाने के तौर तरीके उसमें क्या हम नया कर सकते हैं, उसको आधार बना के हमने कुछ विद्यालयों में और कोशिश ये की कि एक विद्यालय में करके वहाँ आसपास के जो और विद्यालय हैं उनको शामिल करें और उनको वो जो पढ़ाने के जो रचनात्मक तरीके हैं जिसमें बच्चों का सीखना बेहतर हो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया। और इसमें ये अच्छी बात रही कि हर विद्यालय के जो शिक्षक साथी इसमें शामिल हैं उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया,
और इस प्रक्रिया में मूल बात ये रही कि जो मैम ने भी कहा कि इसमें जो शिक्षक के पूरा प्रयास रहता है वो कम से कम कहें कि 10% या 20% कहें, बाकी जो बच्चे का अपना प्रयास होता है कि बच्चे खोजबीन विधि से कैसे चीज़ों को सीखते हैं, वो उन पर बहुत ज़्यादा शिक्षक साथी उनको उस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो अपने इन चीज़ों को सीखने के लिए कैसे वो आगे आते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो आपने सर देखा होगा बच्चों ने कहानियाँ बनाई, तो अमूमन क्या होता है कि विज्ञान प्रदर्शनी में या कहें कोई ऐसा एग्जीबिशन होता है जहाँ प्रोजेक्ट लगे होते हैं और बच्चे कुछ मॉडल बना के लाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह और वहाँ उस पर कुछ बातचीत होती है उन लोगों से। लेकिन क्या एक विषय में दूसरे विषयों का समायोजन हम देख पाते हैं? जैसे अगर विद्युत में बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए और वहाँ कुछ उसके रासायनिक प्रभाव चुंबकीय प्रभाव लेके बात किए तो क्या विद्युत में कुछ वो कहानियाँ बना पाए? या फिर आपने देखा होगा बच्चे ने कुछ पत्र लिखे हैं कि अगर प्रतापपुर गाँव में बिजली से कोई समस्या हो गई या विद्युत से कोई समस्या है, जैसे विद्युत नहीं पहुँची है गाँव तक या कोई बिजली का तार टूट के गिरा है या कहें कि ट्रांसफार्मर नहीं काम कर रहा है, तो ठीक है उसने अपने क्लास में प्रयोग तो कर लिया कि रासायनिक प्रभाव क्या है चुंबकीय प्रभाव क्या है, लेकिन क्या अपने बिजली विभाग को पत्र लिख पा रहा है कि ठीक है हमारे गांव की समस्या कैसे उसको देखना है कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही प्राथमिक स्तर पे जो थीम था वो जल थीम को लिया गया था कि प्रतापपुर गांव के आसपास देखें तो मतलब जल थीम को काम करने को लेके या इस पर जो बच्चे को सीखने का जो अवसर था वो काफ़ी इसमें बेहतर था। तो उसी के क्रम में बच्चों ने नाना सागर डैम का भ्रमण किया, वहाँ कुछ उन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए और उसमें सिर्फ ये था कि जो नानक सागर डैम है उसके पूरे इतिहास को समझे। जैसे सर ने पूछा भी कि इसमें से कौन से नदियाँ नाले निकलते हैं या पहाड़ से कौन सी नदियाँ नाले इसमें आते हैं, तो जो बार बार शोध शब्द की बात जिक्र हो रही है तो वो बच्चों के माध्यम से क्या हम जान पाए? तो सर ने वहाँ करेक्ट किया कि इसमें ये नाला नहीं है या फिर ये नदी नहीं है, इसको आपको देख लेना। तो वो एक मिली जुली प्रक्रिया कैसे बच्चों ने यहाँ पे किया और प्रस्तुत किया उसको, तो एक अटैम्प्ट किया बच्चों ने कि जो शोध वाला कार्य है वो कैसे प्राथमिक स्तर पे उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे उस शोध कार्य में शामिल होते हैं और उसको आंकड़ों के माध्यम से कुछ सवाल जवाब के माध्यम से कुछ खोजबीन विधि के माध्यम से चीज़ों को दर्ज करके लेके आते हैं। और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो शिक्षक की है कि वो कैसे उस तरह की प्रक्रियाओं को क्लासरूम में शामिल करें। आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो क्लासरूम के बाहर की गतिविधियाँ हैं, तो ये भी प्रयास करते हैं कि अब जो समय है थोड़ा एफएलएन के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए क्या हम क्लासरूम से बाहर बच्चों को लेके जा रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक भ्रमण हो चाहे वो सवाल जवाब के लिए आसपास के लोगों से बातचीत हो। तो ऐसे कुछ प्रयास के साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार में चाहे मैं प्रवीण मैम का धन्यवाद करूँ, ममता मैम का धन्यवाद करूँ, दीपक सर का धन्यवाद करूँ, धन सिंह सर का धन्यवाद करूँ, गीता मैम वहाँ नहीं है उन्होंने भाषा में काम किया उनका धन्यवाद करूँ, और नगरा जो की टीम से भट्ट मैडम है मदन सर है, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया इसमें। और एक उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ रखा कि इस तरीके से हम बच्चों के साथ सीखने सिखाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें हम काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू। क्रियाओं के द्वारा बच्चा बेहतर सीखता है, इन कार्यक्रमों से न सिर्फ बच्चे ने सीखा बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम सब लोग भी एक प्रकार से रिफ्रेश हुए और ये ज्ञात हुआ कि ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है बच्चों के साथ मिलने की, बच्चों को साथ लेकर के चलने की, पर्यावरण के पास ले जा करके चलने की, तो ये प्रक्रिया ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है बजाय कि कक्षा शिक्षण के। मैं निवेदन करूँगा नगला जो भी फेर में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत और वर्तमान समय में प्रतापपुर संकुल में संकुल प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे बड़े भाई आदरणीय श्री वंदाधिकारी जी को कि आप आएँ और अपने सबको से उद्घोषण करने का कष्ट करेंगे आदरणीय श्री वंदाधिकारी जी। राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर के इस प्रांगण में हमारे बाल शोध मेले के मुख्य अतिथि राज्यमंत्री राजपाल जी, हमारे विभाग के मुखिया बीओ सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और विद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे छोटे छोटे मिलने मिलने बच्चों द्वारा अपने द्वारा किए गए खोजबीन शोध कार्य को देखा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा कि आप जब उन बच्चों के बीच में आए उनसे बातचीत की तो मुझे लगता है कि इससे एक और प्रेरणा बच्चों को मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होंगे। मैं एपीएफ की टीम और मेरे ब्लॉक के जितने भी शिक्षक साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो विभिन्न विद्यालयों में अपने प्रतिभा को बच्चों के मोटिवेशन में लगाते हैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि सुदूरवर्ती विद्यालयों से अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए
और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और छोटे से प्रोग्राम में बहुत कम समय में प्रयास किया गया, एपीएम की टीम ने हमारा पूरा सहयोग किया, बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास किया। और जितने भी टॉपिक यहाँ पर सर मैं कहना चाहूँगा, जितने भी टॉपिक यहाँ पर हैं ये हमारे आने वाले परीक्षा में बच्चों को रचनात्मक ढंग से सीखने का प्रयास उनका जो है वो उनके परीक्षाओं में भी उनका काम आने वाले हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी से लेकर अभी मार्च तक की जितनी भी पढ़ाई है इन्हीं टॉपिक्स पर हमारे सिलेबस में है। और हमने प्रयास किया है कि बच्चे रचनात्मक ढंग से उनको सीखें और उनका ज्ञान थोड़ा स्थायी हो। इसके लिए एपीएफ की टीम, मेरे शिक्षक साथी और हमारे अधिकारीगण और हमारे सेवी क्षेत्र के जितने भी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बाकी लंबा ना बोलते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम जहाँ पर भी हमारे विद्यालय में होंगे हम सभी शिक्षक साथी आगे बढ़कर उसको बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों को मोटिवेट करके और रचनात्मक कार्यों की तरफ प्रेरित करें ताकि उनका ज्ञान स्थायी हो सके। मैं इन सबों के साथ अपने सबों को ज्ञान देता हूँ। धन्यवाद। आशीर्वचन के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों को गौरवान्वित किया। अब मैं बुलाना चाहूँगा इस विद्यालय की दोनों भवनों का निर्माण करने वाले, समय समय पर हम लोगों को सलाह देने वाले और हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से हम लोगों का उत्साहवर्धन करने वाले, इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड के किसानों के मसीहा और वर्तमान समय में राज्य मंत्री के रूप में उत्तराखंड सरकार की सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने वाले बड़े भाई आदरणीय श्री राजपाल सिंह जी को के आशीर्वचन के रूप में हम सब लोगों को उद्बोधित करने का कष्ट करेंगे आदरणीय श्री राजपाल सिंह जी। धन्यवाद सर। आज पांचवें मेला ब्लॉक रीमा में हमारे नवनियुक्त शिक्षा अधिकारी आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी और हमारे प्रयास के अनिल कुलेश जी, मदन सिंह अधिकारी जी, आदरणीय अभिजीत कुमार शर्मा जी, प्रकाश पांडे जी, श्रीमती सावित्री बिष्ट जी, पुष्पांजलि पाला जी, अरविंद राणा जी, धन सिंह जी, आदरणीय आलोक जी, हमारे अभी जो शिक्षक थे अग्नि प्रत्याशा बीना पांडे जी एवं समस्त विद्यालय के शिक्षक थे। मैडम चुप करना दो मिनट मैडम। आज जो कार्यक्रम आपका है, मैं सबसे पहले तो आलोक जी आपको बधाई देना चाहता हूँ आपके फाउंडेशन को। मैंने बहुत नाम सुना आपके फाउंडेशन का और मुझे आजी प्रेम जी जो थे वो सबसे बड़े एक तरीके से मैं कहता हूँ कि दानी है इस बार प्रदेश के। बहुत बार मैंने सुना पढ़ा उनके बारे में, मुझे खुशी हुई इस कार्यक्रम में मुझे आज आने का मौका मिला। ये विद्यालय से जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे आप लोग बुलाते हैं तो मैं बड़ी खुशी से इस विद्यालय में आता हूँ। मेरा कोई भी कार्यक्रम रहता है उस कार्यक्रम को खत्म कैंसिल करके यहाँ आता हूँ क्योंकि मेरे बचपन की यादें इस विद्यालय से, मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। क्योंकि पहले तो प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे तो बहुत नैनीताल होते थे यहाँ, तो यहीं पढ़ा हूँ क्योंकि उस समय विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब होती थी, आप सब जानते हैं। लेकिन जब जब मुझे सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा सेवा करने का मौका मिला तब तक मैंने इस विद्यालय की या अन्य विद्यालयों के लिए जो नृत्य करने का हमने किया। अभी आपके सामने दो विद्यालयों का निर्माण है, नगला जोगीठिर में हमारा विद्यालय अजय सर वहाँ पर है, उस विद्यालय का दरबार मैंने आप मानेंगे जमीन खरीद कर 3 महीने के अंदर विद्यालय बना के मैंने चालू करवाया था। आपका नाना सागर कॉलोनी में विद्यालय है, सरकार से जगह लेकर वो 3 महीने के अंदर विद्यालय मैंने भवन करवाया था। तो मेरा प्रयास है नगला जोगीठिर में आपका विद्यालय है उसमें उस समय ग्राम सभा मिली थी तो मैंने वहाँ पर भी उसके लिए काम किया। लेकिन मैं आज चैलेंज से कह सकता हूँ ये जो विद्यालय जो कक्षों का निर्माण हुआ या भवन का निर्माण हुआ है ये मेरा चैलेंज है सभी को कि कोई भी ऐसा किसी भवन का निर्माण तो मुझसे आगे बता सकता है कि हमारे विद्यालय के भवन का निर्माण इससे अच्छा है। मैं स्वयं खड़ा होकर इस विद्यालय का निर्माण करूँ क्योंकि मैं उसमें ग्राम प्रधान यहाँ का प्रधान था। और ये विद्यालय जो कक्षा 8 तक है ये भवन बहुत जिद करके अधिकारी के उस साइड में बनाया गया, लेकिन मैंने इस भवन को यहाँ बनाया। मैंने आपको बताया नहीं ये भवन मैंने क्यों बनाया, ये मैंने कभी आपको नहीं बताया। इस भवन के पीछे मेरी बड़ी यादें हैं। पहले यहाँ पर भवन होता था, 2 कमरे होते थे, 1 फांटा होता था, वो काफ़ी ऊंचा होता था क्योंकि मिट्टी भरानों के नीचे हो गया, काफ़ी ऊंचा होता था। एक बार हमारे सर
नाम भूल गया, आदरणीय राणा जी थे, मेरे टीचर हुआ करते थे, अभी भी है वो बुजुर्गों में। मैं कक्षा 4 में पढ़ता तो मुझे उन्होंने कहा कि 19 का पहाड़ा बोलो। मैं 19 का पहाड़ा बोलने का मुझे मैं भूल गया, तो उन्होंने बरामदे में बैठे मुझे थप्पड़ मार में नीचे आके गया, उस थप्पड़ ने मुझे बहुत कुछ बना दिया, मैं बहुत आगे पहुंच गया उस थप्पड़ के कारण, मुझे आज भी याद है। मैं नाम बोल गया, मेरे मुंह में था कि भूल गया आदरणीय राणा जी है। इसीलिए मैंने यही बनाना है, विद्यालय का निर्माण यही होगा, जब हमारे जूनियर हुआ तो ये विद्यालय का निर्माण यही करना है। वो जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे वो समय याद आता है, तो इसलिए यादें हैं मेरी। मैंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, इसके पड़ोस में एक विद्यालय है, इसका संचालन मैं करता हूँ। ये सारा इसका जो मैंने 3 बहुत कक्षों का निर्माण करवाया इसमें, तो उसका उस विद्यालय का संचालन मैं करता हूँ, उसका प्रबंधक पूरी तरह मैं ही हूँ। तो मेरा प्रयास रहा कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। जंगल जो नगला जोगी का जो विद्यालय है हमारे प्रतापपुर में, मैं जब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था उस समय मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे विद्यालय नहीं जाते, वहाँ के बच्चे हमारे थुरुआत के हमारे रायसिक समाज के बच्चे विद्यालय नहीं जाते। मैंने पूछा उनके पेरेंट्स से कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो उस समय ये स्कूल होता था सबसे नियरेस्ट, तो बोले सर प्रतापपुर नंबर 4 बहुत दूर जा पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे की सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए इसलिए वहाँ नहीं भेजते। तो मैंने वहाँ प्रण किया कि मेरे का वादा किया मैं आपके गांव में स्कूल बनाऊंगा। मैंने 3 महीने के अंदर में विद्यालय स्कूल को बना के दिया और स्कूल चालू करवा दिया, तो आज मुझे खुशी होती है वहाँ जाकर कि आज वहाँ लगभग 100 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसे को आदर्श विद्यालय हुआ। तो आज हमारा यही आदर्श विद्यालय है, क्योंकि अभी बच्चे जो सरकार से जो उन्होंने शोध किए थे, तो सच में ये कि कंपटीशन बच्चों में होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे किसी भी विद्यालय की बात करूँगा, वहाँ के एग्जाम्पल हुआ हमारे सैटरडे को शनिवार को आधा दिन सिर्फ कंपटीशन होते, जो अब नहीं है, वो अब आप लोग नहीं करते। हमारे कंपटीशन होते थे एक शनिवार को आधा दिन इंटरवल के बाद, एक संडे को हमारे खेलकूद, एक संडे को हमारा सिंगिंग, ये वो जो अपना नाटक वाटक वो करते थे, एक सैटरडे को हम लोगों का कंपटीशन होता था, ठीक है, अगले को हमारा रिटर्न कंपटीशन, वो 4 हफ्ते हमारे ऐसे होते थे हर शनिवार को लास्ट हाफ टाइम के बाद। तो आज विद्यालय में नहीं है प्रक्रिया, बड़ा दुख होता है। उससे क्या होता था कि बच्चों का टैलेंट बढ़ता था। सर मैं आपसे विद्यालयों में ये प्रक्रिया चालू की है, बच्चों का टैलेंट बढ़ता है। अगर 4 वीक नहीं कर सकते तो 2 वीक ही कर सकते, कि 2 लास्ट सैटरडे उसके बाद आप ये कार्यक्रम करेंगे, उससे बच्चे की नॉलेज बढ़ती है। हम लोग स्पोर्ट्समैन भी रहे, हम लोग नेशनल लेवल तक खेलते हैं, हम लोग स्पोर्ट्समैन यहीं से स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रयास होता। जैसे ये शोध कार्य कराया गया, अगर बच्चों को एक दिन निश्चित का दिया जाए और इनको सिर्फ स्पेशल इसी काम में लगाया जाए, और मैं कहता हूँ कि आज बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज मैं भी, मेरे 3-4 मेरे मित्र हैं वो आई एस अध्यापक, और सच मानेंगे वो भी प्राइमरी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए, कोई कॉन्वेंट का नहीं हो, सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए आई एस है। तो आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर टॉपर आई एस होते हैं, जो कभी जिसको आक्सफोर्ड कहा जाता था, इंडिया के आक्सफोर्ड। तो इसलिए पढ़ाई का जो स्टेटस, जितने काबिल आप लोग हैं उतने प्रयास, यहाँ पर हमारी क्वालिटी की कमी नहीं है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हम उन एफर्ट्स को यूज नहीं कर पाते, एफर्ट को यूज करना चाहिए, भविष्य है देश का। अगर मैं इस प्राइमरी स्कूल में पढ़कर इस यहाँ की शिक्षा लेकर आज मैं अगर उत्तराखंड सरकार ने मुझे राज्य मंत्री बनाया है, अगर सेवा करने का मौका दिया है, तो हो सकता है इसमें तो मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए, इंटर कॉलेज में पढ़े हुए, वो कोई कॉन्वेंट में पढ़े हुए नहीं है, तो कोई पता नहीं इनमें कौन सा बैठा का मुख्यमंत्री होगा, इनमें कोई बैठा, कोई नहीं पता कि कौन सा गवर्नर होगा, कोई नहीं बैठा कि आपका अधिकारी होगा, कोई पता नहीं होगा सर। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे बच्चों के लिए, मेरा योगदान जो भी मेरे कर मिलता है मैं हमेशा इस विद्यालय में करता हूँ, उससे मुझे खुशी होती है, मैं कोई एहसान नहीं करता। और आज मुझे आप लोगों ने अपने बीच में शर्मा जी आने का मौका दिया, पटियाल जी आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद। आदरणीय कुशवाहा जी से मुलाकात हुई, तो कुशवाहा जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, जो मैंने आपको सुझाव दिया आप इसको अगर तो पूरे ब्लॉक में लागू करें, उसका लाभ निश्चित मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच शिक्षा परिवार खटीमा के मुखिया हमारे बीच उपस्थित हैं, सर्वप्रथम विकास खंड खटीमा में, क्योंकि मैं आपके स्वागत करने के लिए नहीं पहुंच पाया, थोड़ा मेरे व्यक्तिगत कारण रहे, उन कारणों से मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। विकास खंड खटीमा में समस्त शिक्षक परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा
आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से। मैं बाल चोरी से किशोर मेला के आयोजन के अवसर पर अपनी कर्मामयी गौरवमयी उपस्थिति देते हुए परम आदरणीय माननीय राज्य मंत्री जी किसान आयोग उत्तराखंड का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय के समस्त शिक्षक भाई बहन उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और प्रतिनिधि छात्र छात्रा जो भी इस विद्यालय में प्रतिभागी के रूप में और दर्शक के रूप में शामिल सम्मिलित हुए हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी दो वक्ताओं ने जिसे हमारी आलोक जी और हमारे इस विद्यालय की प्रधान अध्यापका ने बहुत सारगर्भित रूप में अपनी बातों को रखा, मेले के जो उद्देश्य है उसको सामने रखा। मैं एक चीज़ इस ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतने मनोयोग से बच्चों को सुना, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप इतना व्यस्त रहते हैं और आप जो है कई सारे क्षेत्र रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने बच्चों को सुना और प्रश्न पूछे, बच्चों से बातचीत की, ये बच्चों के लिए पूरा जीवन का एक अनुभव है। क्योंकि सर मैं समझता हूँ कि जब मैं भी ऐसे बच्चा था तो जब भी कोई इतने बड़े आदमी से कोई मिलता था तो आज तक वो इंप्रेशन याद रहता है मुझे कि वो आए थे और उन्होंने मुझसे ऐसे बात की थी। तो ये बच्चे बोल पाए हो या ना बोल पाए हो बातचीत, लेकिन आप उनके सामने उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति मात्र नहीं उनके उस क्षण को पूरे जीवन के लिए गोल्डन क्षण बना दिया है, एक स्वर्णिम क्षण बना दिया है। तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत संवेदनशीलता से हमारे बच्चों को सुना और ये उनके पूरे जीवन में एक स्वर्णिम क्षण जो आपने निर्माण किया है इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने प्रश्न पूछे बच्चों से, आपने कुछ बताया, कुछ नोट करवाया, ये बहुत ही शानदार किसी जनप्रतिनिधि की व्यवस्था है और मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा ही जैसे अवगत कराया गया कि इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, शानदार निर्माण किया गया है सर। ये तो कई कई विद्यालय को देखता हूँ कि वो जनप्रतिनिधि निर्माण तो करते हैं लेकिन जैसे निर्माण करते हैं वैसे मरम्मत में ही प्रवेश कर जाते हैं, तो इतना बढ़िया आपने निर्माण किया है। और किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के जो नेतृत्व कर रहे होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि उन पर निर्भर करता है, उनके सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं वेतनभोगी लोग होते हैं वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन जब जनप्रतिनिधि का सपोर्ट मिलता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है और उसमें मनोयोग से काम करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि सर आपने जो एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है इस पूरे क्षेत्र को, यहाँ बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, कार्मिकों को, ये हमारे शिक्षा विभाग को भी यही विभागों में भी आपका योगदान होगा लेकिन सर हमारे शिक्षा विभाग को भी समझता हूँ कि और भी ऊँचाई ले जाने में मदद करेगा। मैं यहाँ पर जो अजीत प्रेम जी फाउंडेशन आलोक जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको जो है आयोजित किया है और मेरी अभी दो तीन घंटे की बात उनसे हो चुकी है तो इसको ब्लॉक स्तर पर भी हम किस तरीके से ले जाएंगे, अगले पूरे सत्र का इसका प्लान भी हम लोग थोड़ा तैयार कर चुके हैं, उसमें कुछ संशोधन के साथ में आगे ले जाएंगे। जिन शिक्षकों ने पूरे मनोयोग से जो एक एक बिंदु को नोट करके और बच्चों के साथ में काम किया, देखिए गीत गाना बच्चों के साथ में और कविता सिखाना एक अलग पहलू है लेकिन बच्चों को तार्किक रूप से दृष्टिकोण देना, उनको एक एक चीज़ पर विचार देना, उनके अंदर विचार को उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। वो सोचना कैसे सीखे ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। अगर उन्होंने एक बार को सोचना सीख लिया, बात करना सीख लिया, विचार को रखना सीख लिया, जैसे मेरी एक बालिका थी वो बड़ा अच्छा कह रही थी कि उसने कहा कि विचारों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए विचारों को रखा है, विचार शब्द का ही प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों के लिए, उनके सपने होते हैं, उनके कुछ और ही बातें होती हैं लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनके विचारों को जो आपने उत्पन्न किया ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जितने भी शिक्षक आप लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे आपकी मेहनत से भी उनमें झलक रही है, तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग इसको और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे, इसमें और हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और पुण्य में जो है मंचासी समस्त अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे ब्यासी समय श्री प्रमोद जी भी आए हैं, मैं उनका स्वागत करना भूल गया था इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
मैं पुनः माननीय राज्य मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपूर्ण समय से निकाल करके हम लोगों को अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका आशीर्वाद ऐसे शिक्षा विभाग पर बना रहे SCC उम्मीद और अपेक्षा के साथ में मैं अपनी बाहों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.